हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप क्लास देख रहे हैं अबाउट एलडीसी क्लर्क के लिए, जो अभी वैकेंसी आया है 863 पद पर। ठीक है, तो हम लोग नागपुरी क्लास इसका करने वाले हैं। टोटल क्लास हो चुके हैं, बस बनफुल भागवन का कहानी बचा हुआ था, यानी कि कहानी का शॉर्ट नोट्स और MCQ। और आज हम लोग करने वाले हैं सांझ कहानी, सारे कहानियों यानी कि 6 कहानियों का नीचे जो है प्लेलिस्ट में, यानी कि JSSC LDC बनफुल भाग वन करके प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, बनफुल भाग वन का आज कहानी सांझ पढ़ने वाले हैं, जिनके लेखक हैं मधुसूदन दुबे। ठीक है, इसका आज हम लोग शॉर्ट नोट्स MCQ पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। और पढ़ने से पहले मैं बात बता दूँ कि JSSC LDC के लिए जो है JSSC LDC के लिए कॉम्बो कोर्स 799 में अवेलेबल है। कॉम्बो कोर्स में टोटल कोर्स मिलेंगे। एंड केवल P2 के लिए नागपुरी हिंदी खोटा जो है 299 में ये दिया जा रहा है। ऑन एडी क्लासेस ऐप और PDF के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8863884281। चलिए थोड़ा सा JSSC CGL के बारे में मैं बात कर लूँ। ठीक है, JSSC CGL के बारे में मैं बात कर लूँ कि JSSC CGL का कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है 999 में। और यहीं अगर P2 लेते हैं तो P2 में नागपुरी हिंदी खोटा ये तीनों अवेलेबल है। ओनली कितना में दिया जा रहा है? 399 में दिया जा रहा है। ठीक है, झारखंड जी के अगर अलग से लेते हैं तो 199 में, जिसमें आपको 380 पेज का हैंड रिटन नोट्स प्लस 120 का शॉर्ट नोट्स रहेगा। ठीक है, प्लस बुलेट ट्रेन झारखंड जी के नोट्स। कंप्यूटर जी के सिलेबस वाइज आपका यहाँ टोटल कोर्स रहेगा हैंड रिटन नोट्स, और आपको शॉर्ट नोट्स एक मिलेगा टोटल कंप्यूटर का विद MCQ। बहुत सारे MCQ हैं 149 में ऑन एडी क्लासेस ऐप। देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप और इस चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वीडियो तो देखते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते हैं, और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, देन सपोर्ट मी, देन आई विल ऑल्सो सपोर्ट यू ऑल। ठीक है, तो आज का कहानी है सांझ, और हम लोग सांझ नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, मस्ती में पढ़ेंगे ताकि एक भी चीज़ इधर उधर ना होवे। ठीक है, चल तो सांझ कहानी का लेखक मधुसूदन दुबे। पहला प्रश्न है, सांझ कहानी का लेखक कौन है? तो मधुसूदन दुबे। नेक्स्ट, बनफुल भाग वन कहानी में मधुसूदन दुबे लिखले है, तो मधुसूदन दुबे क्या लिखे हैं? सांझ कहानी लिखे हैं। कौन दिशा में सूरज डूबे कर तैयारी करत है? तो सूरज हमेशा पश्चिम दिशा में ही डूबता है, कोनो कहानी में हो। ठीक है, ये बात हमेशा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, वनांचल यानी कि नागपुरी क्षेत्र धमाधम उठ है, तो नागपुरी यानी कि वनांचल यानी नागपुरी क्षेत्र किस चीज़ से धमाधम उठा हुआ है? तो भाई क्या चीज़ से उठा हुआ है? बनकर हरियाली से, वसंत कर मास और फूल कर सुगंध से। पांचवा नंबर प्रश्न है, बनकर गहना के रूप में कौन कौन फूल खिलल है? बनकर गहना के रूप में कौन कौन फूल, यानी कि बन का गहना फूल को कहा गया है, ये भी एक प्रश्न बनता है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लेंगे। बनकर गहना के रूप में कौन कौन फूल खिलल है? धवई कर, कुसुम, परास, तिलय कर फूल, इतना फूल खिला हुआ है। छः नंबर प्रश्न है, कौन आपन बिरही पिया कर बिछोह कर तरंग छेड़त रहे? कौन आपन बिरही पिया यानी कि छूटा हुआ पिया, विरह, जिसका हम विरह कर रहे हैं, प्रेम के मारे वो मिल नहीं रहा और विरह दुख में है, तो उसका बिछोह का तरंग कौन छेड़ रहा है? कोयली। सात नंबर प्रश्न है, सांझ बेरा के आपन मूढ़े काठी कर बोझा ले ले और कुदाकुरी घर घूरत रहें, ये तो बनिहारी लोग। ठीक है, आठ नंबर प्रश्न है, जंगली जानवर कहाँ से पानी पी के पहाड़ चढ़क लगले? तो देखिए, जंगली जानवर जो है पानी से ना कहाँ से पानी पी के पहाड़ चढ़क लगले, तो नदी से पानी पी के ये पहाड़ चढ़क लगले। ठीक है, फूलों का उम्र कितना होवत रहे? तो फूलों का जो है उम्र कितना साल हो रहा था? तो 15 से 16 साल हो रहा था। फूलों कैसन छोड़ी रहे? तो सांवर छोड़ी थी। ठीक है, सांवर छोड़ी थी। 11 नंबर प्रश्न है, फूलों केकर से प्रेम करत रहे? तो मुकुंद से प्रेम करत रहे। ठीक है, फूलों केकर से प्रेम करत रहे तो मुकुंद से। 12 नंबर प्रश्न है, मुकुंद
बाहरे कमाए जाए के लिए भट्ठा कौन बेबस कर ले। मुकुंद के बाहर कमाए के लिए न भट्ठा में कमाए के लिए कौन बेबस यानी कि मजबूर कर ले, तो घर कर चिंता और अकाल। ठीक है, मुकुंद कमाए के लिए कहाँ जात रहे, उत्तर प्रदेश। मुकुंद कहाँ कमाने जा रहे थे, तो उत्तर प्रदेश यूपी में। नेक्स्ट, मुकुंद कर उम्र का रहे 20 से 22 परिस, केकर अगुवाई में मुकुंद उत्तर प्रदेश चल जा रहे ना, तो केकर अगुवाई में मुकुंद जो है वो चला गया था, तो बोधन सरदार कर अगुवाई में। नेक्स्ट, मुकुंद कर बाप का नाम का रहे, तो घमड़ू महतो है ना, मुकुंद के पिता का क्या नाम था, घमड़ू महतो, घमड़ू ना, घमड़ू महतो। घमड़ू महतो का रहे तो एक किसान था नॉर्मल। नेक्स्ट, घमड़ू महतो जो है रोजी रोटी कैसे चलाए ना, तो काठी काइट काइट के, यानी कि वो लकड़वाहा हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते। 19 नंबर प्रश्न है, मुरली के बजावत रहे, तो मुकुंद जी मुरली बजा रहे थे। 20 नंबर प्रश्न, कौन मुकुंद कर मुरली कर सात सुर में बंधाए के अझुराए जाए रहे, तो फूलो, है ना, कौन मुकुंद कर मुरली का आवाज़ सुन के सात सुर में बंधाए के अझुराए जाए रहे, तो फूलो। 21 नंबर प्रश्न है, फूलो केकर प्रेम में लिपटाए जाए रहे, तो मुकुंद के प्रेम में। फूलो जो है केकर प्रेम में लपटा गई थी, तो मुकुंद के प्रेम में यह लपटा गई थी यानी कि फंस गई थी। कई साल पहले मुकुंद फूलो के अपन जीवन साथी बनाए कर बात कर रहे, तो एक साल पहले। नेक्स्ट, फूलो कहाँ बैठल रहे, तो कांसी झरना के ऊंचा पत्थर पर। 24 नंबर प्रश्न है, फूलो मुकुंद के विरह में गाना गाई, वह गाना कौन था, ऐसन समय काले प्रीतम दगा देले, प्रीतम दगा देले, सोना समय बीतते से थिए है ना, घरी घरी ये सालत छतिया। ठीक है, इस प्रकार से ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के दिल में निंदाल मुकुंद कर याद के जगाई दे रहे, के जगाई दे, तो ये जो है फूलों के दिल में निंदाल मुकुंद कर याद के जगाई दे रहे, तो बद्री कर पानी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न, के मुकुंद से जोरल प्रीत के उकर मन के भुलाए नहीं पारत रहे, तो फूलो। ठीक है, क्योंकि फूलो मुकुंद से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन जो है मुकुंद आगे पढ़ेंगे कि वो कहाँ जाके दूसरा से बसने लगे थे। के सोचते रहे अब मुकुंद बाबू ना आवें और हमारे समाज कर बीचों बीच जीवन कर संगी बन जावें, तो फूलो ऐसा बात सोच रही थी। 28 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, मुकुंद के उत्तर प्रदेश के भाटा में केकर से दोस्ती होलें, तो झिरगी से, झिरगी है ना, झिरगी केकर संगे छुट्टी कर समय में ना बाजार जातक, तो मुकुंद संगे। नेक्स्ट, मुकुंद का भुलाई गलक फुलमनिया के देल जवाब, मरद जायत बहुत बेमान होई ना, ई बात केकर व्यवहार से सबूत होई गलक, तो मुकुंद कर व्यवहार से। नेक्स्ट, 32 नंबर प्रश्न है, अरमान और मन कर आसरा लेके फूलो और फूलमनिया केकर से प्यार करत रहे, तो मुकुंद से। मुकुंद के दिल से उतराए दिलक फूलमनिया से, मुकुंद के दिल से उतराए दिलक ना, जो है मुकुंद दिल से किसको उतार दिया, तो वो फूलमनिया से। नेक्स्ट है, 34 नंबर प्रश्न, मुकुंद केकर से प्यार करे के लगले, तो वो झिरगी से अब प्यार करने लगा। फूलमनिया केकर आसरा देखते देखते अनसाए गए, तो मुकुंद कर। नेक्स्ट, 36 नंबर प्रश्न है, केकर फूल जैसन खिलल मन मुरझाए गलक, तो फूलमनिया कर। 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सांझ कहानी में कुल कितना गीत है कई, दो। 38 नंबर प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मुकुंद कर व्यवहार देख कौन गीत याद आवेला, कौने कसुरे दैया तेजी गले मोरे पिया, एको क्षण लागत नहीं बेस छोड़ी राखल बेस दूर देसे, कुंद कचनार चंपा धवैया के धोपा धोपा धम 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 के आवे, ऐसन समय गेल भावे। तो दोस्तों यहाँ आपका टोटल क्लास समाप्त होता है। ये कैसा क्लास लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।